तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ नई चीजें। लास्ट क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि कैसे हम सेल्स को हाईलाइट करते हैं, टॉप बॉटम करते हैं, बार्स लगाते हैं, कलर स्केल्स लगाते हैं एंड आइकन्स लगाते हैं। तो इसमें क्या है कि हमने जो चीजें की थी, जो बाहर दिख रही थी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें थी, उन चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। जी हाँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें थी वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन आज हम इसमें आगे बढ़ते हैं और कुछ इसके अंदर जो चीजें नहीं है, जो अंदर है बाहर नहीं है, वो हम बात करते हैं। तो हम सबसे शुरुआत करते हैं आइकन से। जैसे कि आइकन्स आपने आप देख रहे हैं आइकन्स, ओके। तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटा है, मान लीजिए मेरे पास किसी ऑफिस के टीम मेंबर का इंटरनल टेस्ट हुआ है और उसका मुझे स्कोर यहाँ पे निकला है, स्कोर। मुझे इस पेज का रिजल्ट जो है शो करके भेजना है, बट मैं रिजल्ट में इफ कंडीशन लगा के पास फेल नहीं करना चाहता और उसे मैं सैंपल के जरिए बताना चाहता। तो तीन क्राइटेरिया है, अगर ग्रेटर देन 60 हुआ तो वो पास है, 42-60 के बीच में हुआ उसको हम फेल नहीं करेंगे, उसको हम रीटेस्ट का मौका देंगे। ग्रेटर देन 40 है, इसको हम फेल करेंगे। इसका यूज हम लोग कॉल सेंटर्स की ट्रेनिंग में यूज करते थे। मैं एक कॉल सेंटर में काम करता था जहां उनकी ट्रेनिंग वगैरह कंडक्ट होते थे। तो फ्लोर पे किसको भेजना है, किसको फ्लोर पे नहीं भेजना है, वो टेस्ट से पता चलता था। उसमें जो लेस देन 40 है, मतलब कि वो फेल हो गया, उसको हम लोग बाहर कर देते थे, नहीं उसको जॉब मिलती थी। अगर 40 से 60 के बीच में है तो उनको हम एक बार और मौका देते थे, और ग्रेटर देन 60 है मतलब कि वो पास है, फ्लोर पे जाके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये मोस्टली कॉल सेंटर की कंपनीज में यही होता है, या जो कंपनी पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और फिर उसको काम के लिए भेजती है, वो लोग उसी तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे इफ कंडीशन के जरिए नहीं शो करना चाहता, मैं फॉर्मूला लगा के शो नहीं करना चाहता। तो हम यहाँ आइकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइकन में हमने इसको ले लिया, टिक का निशान होगा, राइट का निशान होगा, इट मींस वो पास है, जो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा इट मींस वो रिटेस्ट है, और क्रॉस फेल है। हम इसको अप्लाई तो कर दिया, लेकिन इसको और हमारे इसमें कोई लिंक तो नहीं ना है क्या? तो जैसे यहां देखिए 61 पे एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ, तो इन्होंने अपना एक परसेंटाइल का फॉर्मूला लिया, उसको तीन भागों में बांट के इस तरह से इसमें किया हुआ। इसको समझने के लिए आप इसको मैनेज रूल में जाए और इस पर डबल क्लिक करके आपके सामने एडिट कस्टम फॉर्मेटिंग रूल्स का आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज परसेंटेज दिखा हुआ है, तो परसेंटेज को हटा के मैं नंबर, यहाँ पे मैं नंबर देता हूँ और नंबर में मैं बोलता हूँ कि 60, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड यहाँ 40। तो 60 से ऊपर, 60 और 60 से ऊपर में इसका निशान शो होगा, 40 टू 60 के बीच में इसमें इसका निशान शो होगा, और लेस देन 40 में ये निशान शो होगा। अब यहाँ पे अपने अपने जो आइकन्स को चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको अपना आइकन चेंज करना है, then okay and apply। लेकिन पता कैसे चलेगा कौन किसका है? तो मैं यहाँ पे 3-2-1 टाइप कर दिया और इस 3-2-1 पे हम आइकन से पे आके हम इस वाले आइकन को यूज कर देते। तो इसमें प्रॉब्लम एक और आ गया है कि नंबर 1-2-3 है, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगी कि 1-2-3 क्या है। तो यहां पे हमने क्या किया कि यहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल में गया
आप यहाँ देखेंगे एक होता है शो आइकन ओनली, मतलब क्या होता है कि आपका डेटा शो नहीं करेगा, सिर्फ आइकन को ही शो होगा, सिर्फ आइकन शो होगा। और यहाँ रिवर्स होता है, मतलब कि जो कैटेगरी लगा हुआ है इसको रिवर्स करना चाहते हो, थ्री के जगह पे क्रॉस आ जाए, टू की जगह इस्तेमाल करो तो वन के जगह पे राइट के निशान आ जाए, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ लोग पूछते बात करते हैं और बोलते हैं कि हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो लगानी है, जैसे कि हमने काम करता हूँ मैं यहाँ पर रूल्स को क्लियर करता हूँ, हमारे मुझे इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है आइकन में मान लीजिए हमने इस आइकन को यूज किया, इस आइकन से पता चलता है कि बार की तरह ही है, डेटा बार की तरह, तो हम चाहते हैं कि ये यहां शो ना हो, यहां बगल वाले सेल में शो, और ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि जो जहां जिस सेल में नंबर है उसी सेल पे आइकन या बार शो होगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वल करके इसको सिलेक्ट करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं और फिर इस पे हम आइकन इस्तेमाल करते हैं और इस आइकन के मैनेज रूम में जाते हैं और यहां पे हम शो आइकन ओनली, और कंडीशन चेंज करना तो कर सकते हो, यहाँ पे लिख दिया शो आइकन ओनली, यहाँ पे देखिए सिर्फ आइकन ही शो हो रहा है, ठीक है। इसको और बेटर तरीके से अगर आप दिखाना चाहते हैं तो इसकी फॉर्मेटिंग को हम चेंज कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर हमने क्या कर दिया और व्हाइट कर दिया ताकि ग्रिड लाइन हट जाए। हालांकि ग्रिड लाइन हटाने के लिए आप यहाँ फॉर्मूला से फॉर्मूला पेज आउट से इसको कर सकते हैं, देखिए पूरा का पूरा सीट का हटा देता है पर मुझे इसी का हटाना है। उसके बाद राइट क्लिक करके हम यहाँ फॉर्मेट सेल पे आते हैं, बॉर्डर हम इसको अप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे इसकी जो बॉर्डर है इसमें थोड़ा सा हम चेंज नहीं करते, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और यहाँ पे हम बीच वाला जो बॉर्डर पार्ट है उसको हटा देते हैं। बिल्कुल क्या ऐसे हम क्या हम कलर्स समझ में आया आपको कि नहीं सर? जी सर। और सर लेट हो गया आज कल आ गई थी सर, उसमें बिजी हो गया था। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है स्टाफ को। हाँ। तो क्वेश्चन में आता है कि क्या इसको भी कर सकते हैं, जो हमारा ये है कलर स्केल जो है, हालांकि कलर स्कूल का मैं कभी किया नहीं और उसका 3D मुझे आइडिया नहीं लग रहा है, तो चलिए एक बार आपके साथ हम ट्राई करते हैं। और पहले बता देता हूँ अगर नहीं हुआ तो प्लीज फंसिएगा मत, क्योंकि मैं पहली बार सही कर रहा हूँ। तो डेटा बार में हम यहाँ पर तो बार को ले लिया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट चलिए माफ कीजिएगा, यहाँ पे मैनेज रूल्स, इस पर डबल क्लिक, यहाँ देखिए यहाँ पे ऑप्शन है शो बार्स ओनली, दिख रहा है शो बार्स ओनली एंड ओके कर दीजिए, अप्लाई कीजिए तो सिर्फ यहाँ आपका बार ही डेटा बार ही शो होगा, आपके नंबर शो नहीं होंगे, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कई केसेस में इसकी यूज किया जाता है। तो अब्बासी जी, धीरज जी एंड सरेल जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको इनमें? नहीं सर। चलिए आइकन के बाद आते हैं और भी कुछ चीजें हैं उन पे हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन है, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग है, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, जैसे आपने ग्रेटर देन 50 कर दिया तो 50 से ऊपर को हाईलाइट करेगा, 50 को नहीं करेगा, तो ऐसा करने के लिए आप मोर रूल्स या न्यू रूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे सारे रूल्स वन बाय वन दिखेंगे, ये तो आपके आइकन्स एंड कलर शेप वगैरह का है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट सेल ओनली कंटेन, ये आपके देखिए सारे कंडीशंस हैं, फिर बिटवीन, नॉट बिटवीन,
equal to, not equal to, greater than, less than, greater than equal to and less than equal to. बट इसको अप्लाई कैसे करेंगे? इसको अप्लाई से मान लीजिए नॉट बिटवीन लिया हमने, यहाँ पे 50 to 80 वाले को छोड़ के बाकी सबको हाईलाइट करना है, और फॉर्मेटिंग के लिए आप फॉर्मेट भी क्लिक करें और अपनी जो फॉर्मेट है वो चूज करके ओके कर दीजिए, तो कंडीशन अप्लाई होगा। मैं कंट्रोल चेक करता हूँ, और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, देखते हैं। तो ये सारे कंडीशन एक बार ट्राई कर लीजिए। उसके अलावा सेल वैल्यू में यहाँ टेक्स्ट भी, तो बाहर मैंने टेक्स्ट में बताया था कंटेनिंग, ये था हमारा टेक्स्ट दैट कंटेनिंग था। उसमें क्या था कि आप कंटेन कर सकते हो, जैसे मैंने मान एम यू जेड कर दिया, तो एम यू जेड जहां भी हो उसको हाईलाइट कर देंगे, या मुजफ्फरपुर में हो या मुजफ्फरनगर हो या फिर एम यू जेड सिद्धि हो। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ गया कि अगर कुछ और लिखा होगा लास्ट में, बीच में क्या दिक्कत हुआ, हम चाहते कि स्टार्टिंग में जहाँ एनयू जेड लिखा है वही परफॉर्मेंस हो जहाँ हमारा स्टार्टिंग में लिखा हुआ। तो यहाँ हम न्यू रूल्स में आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम देते हैं टेक्स्ट, यहाँ पे कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग, बिगन विथ एंड विथ, बिगन विथ में लिया और हमने बोल दिया एम यू जे, तो क्या होगा कि जो स्टार्टिंग में एम यू जे होगा उसी को हाईलाइट करेगा, स्टार्टिंग में जो यूजर होगा उसी को हाईलाइट करें। फॉर्मेट की यहां से फॉर्मेट ले सकते हैं, आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है सर। उसके बाद डेट ऑफरिंग ब्लैंक, ब्लैंक हाईलाइट करेगा, नो ब्लैंक, ब्लैंक के अलावा जो होगा उसको हाईलाइट करेगा। एरर्स, एरर को देख लीजिए, क्या होता है कभी कभी जब फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे साथ डेटा भी आते हैं और कुछ एरर्स भी आते हैं। एरर हर तरह के हो सकते हैं, एमए हो सकते हैं, डीआईबी हो सकता है, कुछ अच्छा क्या एरर हो सकते हैं। फिलहाल मैं एमए एरर ले रहा हूँ। एरर में हमारे पास कुछ डेटा भी है, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ टाइप कर, अब मुझे क्या करना है कि प्रिंट आउट लेना या फिर इसको शो करना है, तो हम चाहते हैं कि एरर हमारा शो ना हो, सब कुछ शो हो बट एरर शो नहीं होना चाहिए। कैसे करें? हालांकि इसके लिए फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर फॉर्मूला। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स में आते हैं और यहां हम देते हैं एरर्स, और फॉर्मेट सेल में आके हम अपना जो फॉन्ट की कलर है उसको व्हाइट कर देते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा व्हाइट है और फॉन्ट में फोरग्राउंड भी हमारा व्हाइट हो जाएगा तो व्हाइट पे व्हाइट तो दिखेगा ही नहीं, इसलिए एंड ओके ओके हो गया सर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अब इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास न्यू रूल्स में बाकी सब तो नॉर्मल जो बार यूज करते वही है, इसमें हमारे पास यूज फॉर्मूला, हम फॉर्मूला के बिहाव पे भी हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास टोटल का कॉलम नहीं, हम चाहते हैं कि टोटल का हमारे पास कॉलम नहीं है और यहाँ हमारा एमआरपी है, एमआरपी हम यहाँ पे कुछ दे देते हैं,
यहाँ पे हम चाहते हैं कि जिसकी अमाउंट जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दो 2000 से ऊपर है पूरी उसकी पूरी की पूरी डेटा वो डेटा हाईलाइट हो जाए। बट मैं यहाँ अमाउंट का कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और गया न्यू रूल्स पे यूज फॉर्मूला और यहां पे हमने इक्वल क्या किया ब्रैकेट में अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दिया एमआरपी से और कंडीशन दे दिया 2000। देखिए डॉलर साइन जो रो के आगे लगा है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो 3, 4, 5 ऐसे चेंज होना चाहिए ना, इससे डॉलर साइन नहीं रहना। फिर फॉर्मेट में आते हैं, अपनी फॉर्मेटिंग चूज कर लेते हैं, देन ओके एंड और फॉर्मूला में यहाँ से फिर माफ कीजिएगा फॉर्मेट पेंटर से हम पूरे डेटा को पेंट कर देते हैं। तो जहां क्राइटेरिया मैच हो रहा है वहां पे हाईलाइटेड है और जहां क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है वहां पे हाईलाइटेड नहीं। इस तरह की कैलकुलेशन भी हम कंडीशन फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स के यूज फॉर्मूला में कर सकते हैं। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में फॉर्मूले के और इस्तेमाल है, लेकिन हम आपको अभी नहीं उसको आगे क्लासेस में बताएंगे जब हम फॉर्मूला को सीख लेंगे।